हेलो, संजय बात कर रहे हैं? जी सर, जय हिंद सर। हाँ, जय हिंद। संजय, आपने मैसेज किया था हमें, आपने रात को मैसेज किया था कॉल के लिए। तो जी संजय, सर, जी आप सर। भर्ती हो गए हैं, आपको वर्दी मिल गया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको क्या CRPF में सेलेक्ट हुए हैं आप? नहीं सर, BSF में। अच्छा, BSF में आप थैंक यू सर। सेलेक्ट हुए हैं, बहुत जी बढ़िया। तो जी जी सर, अभी आप ये बताइए कि आपका क्या पॉइंट है, क्या डाउट क्या है आपके, क्या डिस्कस करना चाहते हैं? सर डाउट है कि हम BSF जो अभी मिला है हमको, तो हाँ, मेरा अच्छा नंबर था, बट हम फर्स्ट चॉइस BSF दे दिए थे, तो अच्छा, हम सोच रहे हैं कि उसमें ट्रेनिंग करके अब नेक्स्ट भर्ती आएगा तो उसमें दे के फिर अपना CSF ज्वाइन कर लेंगे। यानी आप जो मार्च में जो भर्ती फिर से आ रहा है SSC का, हाँ वो आप जी फिर जी से सर, आवेदन करना चाहते हैं जी और सर, CISF के लिए आवेदन करना चाहते हैं? जी जी सर, देखिए, आप आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करके, आप अच्छा स्कोर करके आप CISF भी ले सकते हैं, लेकिन आपको हाँ ये पूरी प्रक्रिया होगी भर्ती की, आपको लगभग 2 साल लग जाएगा। इस दो जी साल जी में सर, आपको क्या है कि BSF में रहते हुए आपको ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा आपका, और आपका 1 साल का आपका सर्विस हो जाएगा। तो यानी आपको लगभग 2 इंक्रीमेंट आपको लग जाएंगे, वेतन वृद्धि होता ना, सालाना वेतन वृद्धि, वो आपको 2 वेतन वृद्धि। अब आप इसको छोड़ के आप देखिए, इसमें आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा, यानी आपको इसमें इसके लिए आपको अनुमति नहीं मिलेगी। अनुमति किसके लिए मिलती है? सेम रैंक वाली जो पोस्ट होती है उसके लिए अनुमति नहीं मिलती। आप यदि CAPF सब इंस्पेक्टर का आप अनुमति मांगेंगे और उसमें आप सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर आप BSF का नौकरी छोड़ते हैं, तो आपको पैसा नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन आप बराबर की नौकरी ज्वाइन करने के लिए आप त्याग पत्र देते हैं, या आप बिना नौकरी ज्वाइन करने के लिए त्याग पत्र देते हैं, तो आपको ट्रेनिंग पोस्ट या 3 महीने का वेतन जो भी ज्यादा हो वो आपको देना पड़ेगा। तो यदि आपका 3 महीने का ट्रेनिंग हो जाता है, तो वो जो ट्रेनिंग कॉस्ट होता है वही ज्यादा होता है हमेशा। यानी आपको जो नुकसान है, सिपाही की नौकरी छोड़ के वापस सिपाही ज्वाइन करोगे, तो आपको एक तो 2 साल की नौकरी का नुकसान, हाँ दो साल बिल्कुल। का आपको वेतन वृद्धि का नुकसान, प्लस आपको ट्रेनिंग कोर्स देना पड़ेगा, यानी कि 3 नुकसान आपको हो गए। अब आप जैसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, वो हमें कॉल करते हैं कि मैं बिना बताए जो है मैं दूसरे डॉक्यूमेंट से भर्ती हो जाऊं। देखिए, दूसरे डॉक्यूमेंट से भर्ती नहीं हो सकता भैया। आपकी तो चलो एज है, इसलिए आप सोच रहे हैं कि मैं तैयारी कर लूंगा, लेकिन दूसरे डॉक्यूमेंट से भर्ती होने का मैं एक उदाहरण आपको बता देता हूं। BSF में ट्रेड्समैन में एक कैंडिडेट स्वीपर में भर्ती हुआ और वो ज्वाइन कर लिया BSF में, वो नौकरी कर रहा था अपना। जब अगली भर्ती आई तो उसने क्या किया कि स्वीपर ट्रेड को उसने चेंज करके वो कहार ट्रेड में भर्ती हो गया। BSF में नहीं बताया उसने, अपनी यूनिट में नहीं बताया, वो वहां से छुट्टी लेके आ गया और छुट्टी लेके वापस ज्वाइन नहीं किया, और इधर वो जो है कहार में ज्वाइन कर लिया उसने। कहार में उसका ट्रेनिंग शुरू हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा था, इधर वेतन बंद हो गया, उधर वेतन चालू हो गया। अब जब नहीं जाता है कोई भी कैंडिडेट, ज्वाइन करने के बाद में यदि नहीं जाता है या छुट्टी से बिना बताए अनुपस्थित है, यानी 90 दिन के बाद उस पर कार्रवाई हो जाती है, तो उसकी कार्रवाई हो गई, उसकी इंक्वायरी हो गई, उसका एप्रीहेंशन रोल निकल गया, यानी जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से उसको गिरफ्तार करने का ऑर्डर आ गया। तो जब गिरफ्तार करने का ऑर्डर आया, तब पता चला कि ये तो बंदा जो है BSF में ही कहार के पद पर फलानी जगह नौकरी कर रहा है, तो अपराध हो गया ना। एक अपराध तो उसने ये कर दिया कि वो बिना बताए नौकरी से गायब है, और दूसरा अपराध ये कर दिया कि बिना नौकरी से त्याग पत्र दिए हुए दूसरी नौकरी ज्वाइन कर ली। तो स्वीपर की भी गई और कहार की भी गई, दोनों नौकरियां गई उसकी, आउट हो गया। तो देखो, त्याग पत्र आप दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको त्याग पत्र नहीं दे सकते, आप बिल्कुल त्याग पत्र दे सकते हो, आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है, आपको कोई कैद नहीं करके रखेगा वहां पे। आप ज्वाइन कीजिए, आप ज्वाइन करके आपको नहीं जमता है आप त्याग पत्र दीजिए, या आपको तैयारी करनी है तो आप तैयारी करें, तो सिपाही के लिए नहीं करें, आप सब इंस्पेक्टर के लिए तैयारी करें। हाँ सर, आप ग्रेजुएट हैं, आप BA जी कंप्लीट है सर, जी आपका, सर, ग्रेजुएट, जी जी सर, ग्रेजुएट अभी एज ग्रेजुएट आपका कितना एज हो गया? जैसे सपोज करें हम, यदि अभी आपका तो आप जनरल कैटेगरी हैं, आप
24 हो गया। तो आप देखिए, आप सब इंस्पेक्टर के लिए, आप CAPF सब इंस्पेक्टर के लिए 25 साल है आपका, प्लस आप यदि डिपार्टमेंटल एग्जाम आप देते हैं सब इंस्पेक्टर का, वो आप 3 साल का, जैसे ही आपका सिपाही का सर्विस हो जाता है कांस्टेबल का, और आपका रिकॉर्ड अच्छा रहता है, आपका किसी प्रकार का कोई बैड एंट्री आपकी नहीं है, तो आप 3 साल बाद सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दे सकते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम। उसमें आपका मैथ, रीजनिंग वगैरह ये सब वही सिलेबस होता है। इसके अलावा जो आपको ट्रेनिंग में पढ़ाया जाएगा BSF के बारे में, हथियारों के बारे में, कानून के बारे में, उसके बारे में एक पेपर होता है। तो आपको यदि तैयारी करनी है तो यार आप उसके लिए करो ना, आप इसके बारे में क्यों सोचते हो, बड़ा सोचो। यदि आपको तैयारी करनी है, आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कीजिए। आप फिर 3 साल देखिए, बहुत सारे ऐसे सिपाही रैंक के लोग हैं हमारे, जो सिपाही भर्ती हुए, कांस्टेबल भर्ती हुए, कांस्टेबल भर्ती होके उन्होंने 3 साल बाद उन्होंने सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया। उसके बाद 3 साल 5 साल का समय होता है, फिर वो सहायक कमांडेंट का एग्जाम दे सकते हैं सब इंस्पेक्टर जो भर्ती होते हैं वो। अच्छा, तो वो लोग 10 साल में सिपाही जो है, सिपाही भर्ती होके 10 साल में सहायक कमांडेंट भर्ती हो गए वो। और एक सिपाही भर्ती होता है, वो अपना एंट्री खराब कर लेता है, अपना रिकॉर्ड खराब कर लेता है, अनुशासनहीन हो जाता है, सिपाही से सिपाही ही रिटायर हो जाता है। और एक मेहनत करने वाला जो है, वो सिपाही भर्ती होके या यहाँ तक कि ट्रेड्समैन भर्ती होके भी सहायक कमांडेंट बन सकता है, ठीक है ना। तो आप देखिए, आप जैसे हमारे साथी जो हैं, बहुत सारे हैं जो अभी जब तक सेलेक्ट नहीं हुए थे तब के उनका ये डाउट था कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा, मेरिट में आऊंगा या नहीं आऊंगा, था कि नहीं आपको भी? जी जी सर। अब सेलेक्ट हो गए तब आपके दिमाग में दूसरी कैलकुलेशन चलने लग गई। हाँ सर, तो यार आप सेलेक्ट हो गए, ये बहुत अच्छी बात है। अब आपको करना है तो आप अपना तैयारी करो। देखो, ट्रेनिंग में आपको पढ़ाई का कतई समय नहीं मिलेगा। सवाल था मेरा। हाँ बताइए सर, अगर 24 मेरा एज हो गया और हम 3 साल, 1 साल ट्रेनिंग करेंगे, 3 साल और उसमें जॉब करेंगे, तो मेरा तो कहीं ना कहीं 27 तो हो जाएगा ना? नहीं, उसमें 35 साल तक होता है। अच्छा, उसमें 35 साल तक जो डिपार्टमेंटल होता है उसमें 35 तक होता है। अच्छा, तब तो अच्छा। जो डिपार्टमेंटल जो है उसका हम आपको पेपर भेज देंगे, यदि आपको पेपर चाहिए तो हम आपको पेपर का PDF भेज देंगे। अच्छा, वो देखता है, या हम आपको एडवर्टीजमेंट भेज देंगे। आप एक व्हाट्सएप मैसेज हमें कीजिए कि मुझे डिपार्टमेंटल सब इंस्पेक्टर का पेपर का PDF चाहिए। अच्छा, हाँ, या आपको उसका मुझे एडवर्टीजमेंट का PDF चाहिए। अच्छा, वो हम आपको सेंड कर देंगे। और आप, बहुत अच्छी बात है यार, आपके फैमिली में कोई है फोर्स में, आपके पिताजी या कोई भाई वगैरह? नहीं, मेरे बाबा थे सर, बंगाल पुलिस में थे, और मेरे अभी जीजू जी हैं, एजुकेशन हौलदार में है। एजुकेशन हौलदार है, बहुत बढ़िया यार। आपके दादा, यानी बाबा का मतलब है दादा। जी जी सर, जो आपके ग्रैंडफादर। जी जी सर, बहुत बढ़िया। तो आप, यानी कि आप तीसरी पीढ़ी के वर्दीधारी बन रहे हैं आप। जी जी सर, बहुत अच्छी बात है यार। फैमिली का आपका हिस्ट्री रहा है कि आपके फैमिली जो है वो, देखिए, तीसरी पीढ़ी में आपके दादा जो है, दादा, आपके दादा भी जिंदा हैं आपके? नहीं नहीं नहीं, अभी तो अभी जिंदा नहीं है वो। चलिए, कोई बात नहीं। लेकिन उनको भी देखिए, जो जिंदा है, जो दादा, उनको तो बड़ा अच्छा लगता है कि मैं भी फौज में रहा, पुलिस में रहा, और अब मेरा बेटा नहीं बन पाया लेकिन मेरा पोता जो है वो वर्दी पा रहा है। जी जी सर, बहुत अच्छी बात है। आप सेलेक्ट हुए, फिर से हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। और आपका कोई भी डाउट आपका होता है तो आप हमसे व्हाट्सएप डिस्कस कीजिए, और साथ में अपना अपना पढ़ाई कीजिए। आप देखिए, आप तरक्की करना है तो तरक्की देखिए, आपको पढ़ाई जो है ना। अब आप ये पूछेंगे कि मुझे ट्रेनिंग में समय मिलेगा क्या? हाँ, ट्रेनिंग में आपको सोने का समय नहीं मिलेगा भैया, ये बता देता हूँ। आप खड़े खड़े सोएंगे ट्रेनिंग में, ये स्थिति होती है। अच्छा, यानी कि 10 मिनट का अलार्म लगा के भी बंदा सोता है कि मैं 10 मिनट सो जाऊंगा, समझ रहे हो मेरी बात? यानी अब आप ये सोचोगे यार कि आधा घंटा तो मुझे नींद आने में ही लग जाती है, 10 मिनट का अलार्म कैसे होगा? आप बैठे बैठे आप सो जाओगे, आपको एकदम से झपकी आएगी, अरे क्या हुआ, क्योंकि इतना बॉडी जो है थकेगा। हाँ, क्योंकि फिजिकल वर्क होगा प्लस आपका गेम्स होगा, यानी जो अभी तक आप देखिए, आप बिल्कुल जो है सिविलियन लाइफ जी रहे थे, घर में सब कुछ आपको करा हुआ मिल रहा था, वहां तो सब कुछ भैया जूता भी पॉलिश करना पड़ेगा,
कपड़ा भी धोना पड़ेगा और अपना बिस्तर भी जो है मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ तो घर में तो ठीक है, कोई बात नहीं, बिस्तर जो है माताजी है वो मेंटेन कर देंगी। हाँ जी जी सर, लेकिन वहां तो सब कुछ अरेंज करना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग का मतलब ट्रेनिंग, उसमें अपन सिर्फ ट्रेनिंग के बारे में सोचे। आप ठीक है, पढ़ाई यदि आपको समय मिले तो आप थोड़ा बहुत पढ़ाई करना आप साथ साथ अपना, हाँ उसके बाद आप कर सकते हो। जब आप जाते हो अपना यूनिट में तो वहां पर आप जैसे यूट्यूब लोग देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, तो फालतू देखने की बजाय तो बेहतर है कि यार अपन उसका समय का सदुपयोग करें अपन। जी 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 सर। और बाकी आप जुड़े रहिए चैनल से, आपका नंबर, आपने हमें कॉल किया तो आपका नंबर हमारे पास सेव हो गया है। आप ट्रेनिंग के दौरान, आपको आगे भी, आपको किसी प्रकार का कोई गाइडेंस हमसे जरूरत पड़े, आप कॉल पर बात करना चाहें बिल्कुल आप कीजिए। और बहुत बहुत फिर से शुभकामनाएं आपको, जय हिंद। और हाँ, बोलिए बोलिए सर। एक सर और सर, कंप्यूटर नॉलेज में वो क्या पूछेंगे आगे, हम कब थोड़ा बहुत कंप्यूटर पे जैसे सिस्टम पे काम कर सकते हैं? नहीं, आपने आपने कोई आपने कोर्स वगैरह किया है कुछ, कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है आपने? ट्रिपल सी किया है, प्लस प्लस, यानी आपको टाइपिंग वगैरह अच्छा है आपका? हाँ, टाइपिंग उतना अच्छा नहीं, बट सर वर्ड वर्ड पे हम काम कर सकते हैं। अच्छा, वर्ड पे काम कर सकते हो। देखिए, इसका आपको फायदा जरूर मिलेगा, यानी आपने चाहे कंप्यूटर किया है, चाहे आपने इलेक्ट्रिशियन का कोर्स किया है, या आपने प्लम्बर का किया है, आपने कोई हार्डवेयर नेटवर्किंग किया है, तो उसका आपको 100% आपको फायदा मिलेगा। कैसे फायदा मिलेगा? अभी आप जब जाएंगे ट्रेनिंग में, वहां पर आपको पूछा जाएगा, ट्रेनिंग में ही पूछा जाएगा, भाई किसी को कंप्यूटर आता है? तो कुछ लोग देखिए आपको गलत गाइड करेंगे, वो आपको ये बोलेंगे कि आपको जब पूछा जाए कि आपको कुछ एक्स्ट्रा आता है तो आप हाथ नहीं उठाना, क्योंकि उससे आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी मिलने लगेगी। ऐसा नहीं है भैया, आपको पूछे कि आपको यदि पूछता है कि आपको कंप्यूटर, किसी को कुछ आता है, या आपको बोले भाई किसी को कोई एक्स्ट्रा नॉलेज है, किसी ने कुछ कोर्स वगैरह किया, आप हाथ उठा दो, सर मैंने कोर्स किया है, कोर्स का सर्टिफिकेट भी लेके जाओ। अच्छा अच्छा, समझ रहे हो मेरी बात? कंप्यूटर सर, मेरे को कंप्यूटर आता है, मैं नेटवर्किंग करता हूँ। आपको पूछेगा आप टाइप कर सकते हो, बोलो मैं टाइप कर सकता हूँ, और अभी आप टाइपिंग का प्रैक्टिस कर लो। अच्छा अच्छा, क्योंकि देखिए हमारे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुक में भर्ती हुए, या स्वीपर भर्ती हुए, वाटर कैरियर भर्ती हुए, और उसको उसको इलेक्ट्रिशियन का काम आता था, वो अभी इलेक्ट्रिशियन की ड्यूटी करता है, जनरेटर पे ड्यूटी करता है वो। अच्छा अच्छा, तो आपको यदि कंप्यूटर आता है तो आप टाइपिंग आती है तो आप टाइपिंग पे आपको मिलेगा काम, आपको ट्रेनिंग में मिलेगा, प्लस आप यूनिट में जाएंगे। अच्छा, तो आपको यूनिट में भी मिलेगा आपको, यानी कंप्यूटर आपको ऑफिस अच्छा। में ड्यूटी मिल जाएगी आपको। ऐसा नहीं है कि मिल ही जाएगी, ये नहीं कहूंगा मैं, लेकिन आपका चांस हो जाता है वहां पर यदि आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल मिलेगा आपको, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं वो कर रहे हैं अभी, यानी यहाँ तक कि कुक में जो भर्ती हुआ था, कोई जो ये सुनेगा हमारी बात वो यकीन नहीं करेगा, वो कहता है कुक तो कुक में ही करेगा। ऐसा नहीं है भैया, कुक में जो कैंडिडेट भर्ती हुआ था वो कंप्यूटर उसको आता था, वो हवलदार की तैयारी करता था एक्चुअली, उसका 40 का स्पीड था इंग्लिश में, वो गया तो उसको एक्चुअली उसको जब पूछा गया पहले दिन, उसने कहा मुझे टाइपिंग आती है, मैं कंप्यूटर करता हूँ, वो अभी ऑफिस में काम करता है वो। आज उसको जो है एक दिन भी वो अपना कुक में लंगर में नहीं गया वो खाना बनाने के लिए। अच्छा अच्छा, स्वीपर में जो भर्ती हुआ कैंडिडेट वो मोटर मैकेनिक है, वो आज मोटर मैकेनिक का एमटी में काम करता है, वो एक दिन झाड़ू नहीं उठाया उसने। अच्छा अच्छा, तो यदि आपको एक्स्ट्रा आपका नॉलेज है तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, आपको उसका फायदा जरूर मिलेगा यार। घोड़े गधे बराबर थोड़ी होते हैं भाई, घोड़ा जो है उसका महत्व तो ज्यादा है कि नहीं? तो पॉजिटिव रखना है, हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखो यार। आप तो देखो खुश किस्मत हो कि आपको वर्दी मिल गया, वरना हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कोई पॉइंट से रह गया, कोई पॉइंट एक से रह गया, अभी कितना वो संघर्ष कर रहे हैं, कभी जा रहे हैं कलकत्ता जा रहे हैं, कभी कभी नारेबाजी कर रहे हैं, और उस नारेबाजी में हमें एक डर और लगता है कि उनको कहीं प्रदर्शन हो जाएगा, कहीं गिरफ्तारी हो गई और केस बन गया तो आगे का चांस भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से अपना तैयारी कीजिए, अपना रनिंग वगैरह की प्रैक्टिस कीजिए और अपना ज्वाइनिंग का इंतजार कीजिए। थैंक यू। चलो।